नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं आपके साथ हिंदू। आई रूबरू होंगे हर उसी के ताजा हाल से। पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ने बाइक की बारी टक्कर, बाइक सवार ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। सुल्तानपुर के पास की घटना। अलनिया के पास 108 एम्बुलेंस का फटा टायर, दूसरी एम्बुलेंस की मदद से पहुंचा अस्पताल। महिला मरीज को लेने गई थी अलनिया। पंजाब के राज्यपाल कोटा आए, बूंदी में निजी समारोह में की शिरकत। अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। घूसखोर बैंक मैनेजर एसीबी की गिरफ्त में। लोन का चेक देने के बदले में मांगी थी रिश्वत, रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कार से कर रहे थे डोडा चूरा की तस्करी, भवानी मंडी पुलिस ने हरियाणा के 3 तस्करों को दबोचा। आप समाचार विस्तार से। सुल्तानपुर में पत्थर से भरे ट्रैक्टर द्वारा बाइक सवार को टक्कर मारने से लाखस नेचा निवासी रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों द्वारा सुल्तानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत में सुधार नहीं होने पर घायल को परिजनों द्वारा कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि रमेश को उसके साथी सुल्तानपुर किसी काम से लेकर गए थे। अचानक नौताड़ा के पास मोड़ पर पत्थर से भरे ट्रैक्टर चालक द्वारा गलत दिशा में ट्रैक्टर को घुमाने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी शिकायत सुल्तानपुर थाने में दर्ज करवा दी है। गांव से सुल्तानपुर आ रहा था और इधर से ट्रैक्टर ट्रॉली बाटा की जा रही थी, तो ये जैसे ही वो सामने आए तो ट्रैक्टर उसने इसकी तरफ काट के और इसके ट्रैक्टर को बचा लिया ट्रॉली की। अलनिया से एक महिला मरीज को 108 के जरिए एमबीएस लाया गया था, तभी रास्ते में अचानक उसका टायर फट गया। एम्बुलेंस में महिला कंचन बाई, जिसने की जहर खा लिया था, रास्ते में कंडम हो चुकी। 108 का टायर फट गया, जिसके बाद परिजनों ने 108 के कॉल सेंटर पर फोन किया, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिस पर एम्बुलेंस स्टाफ ने महावीर नगर थाने में 108 एम्बुलेंस को बुलवाकर उसकी मदद की। महिला को समय रहते एमबीएस में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर महिला की जान बचा ली। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर कोटा पहुंचे, जहां प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। राज्यपाल सिंह के एयरपोर्ट पहुंचने पर जिला कलेक्टर ओम कसेरा, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, अतिरिक्त कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, नगर विकास न्यास सचिव भवानी सिंह पालावत ने अगवानी कर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद वीपी सिंह बूंदी पहुंचे और हाड़ौती पैलेस में प्रभुजनों से मुलाकात करते हुए बूंदी उत्सव में शिरकत की। राज्यपाल वीपी सिंह का कहना था कि बूंदी उत्सव में आना मेरे लिए बहुत खास बात है और उत्सव के साथ ही साथ इस बार जो बूंदी उत्सव को 4 चांद लगे हैं, उसके लिए जिला कलेक्टर व स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद भी देते हैं। 2 साल बाद आने का मुझे मौका मिला है, 3 साल मुझे पंजाब के राज्यपाल के पद पर हो गए हैं, लेकिन बूंदी आने का सौभाग्य इस बार मुझे बूंदी उत्सव के दौरान मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात है। इतना ही नहीं, बूंदी के पर्यटन को लेकर भी महामहिम राज्यपाल का कहना था कि बूंदी के पर्यटन को 4 चांद लगाने के लिए बस जरूरत है तो महज सफाई की। अगर सफाई बूंदी में अच्छे और साफ सुथरे तरीके से की जाए तो बूंदी में पर्यटन को और भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बूंदी 400 साल पुराने इतिहास को आज भी उसी प्रकार से दर्शाता है जैसे पहले था। सफाई हो जाए तो बूंदी के पर्यटन और भी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। कि ऐसे वक्त में यहाँ बूंदी आया हूँ, जब बूंदी के अंदर बूंदी उत्सव जो बहुत वर्षों से मनाया जा रहा है, और इस वर्ष मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि एनजेडसीसी और यहाँ के जो अधिकारी गण हैं, कलेक्टर मैडम, ये सब मिलकर ये उत्सव मना रहे हैं। इसके अंदर बूंदी के दूसरे एनजीओस और हमारे सभी यहाँ के मंत्री परिषद के सदस्य सब मिलकर ही इसको मना रहे हैं। सवाईमाधोपुर एसीबी की टीम ने मलाना डूंगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्रवाई करते हुए बैंक मैनेजर मनोज कुमार मीणा को 20,000 रुपए के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी अधिकारियों के अनुसार सांकड़ा निवासी परिवादी मुरारी लाल मीणा द्वारा एमबीएस कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि मिठाई की दुकान खोलने के लिए जिला उद्योग केंद्र से 3 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ था।
परिवादी की शिकायत थी कि बैंक मैनेजर मनोज कुमार मीणा ने लोन की प्रथम किश्त के रूप में 1,52,000 रुपए का चेक देने की एवज में ई मित्र संचालक सुनील सैन के माध्यम से 25,000 रुपए के रिश्वत की मांग की थी और परिवादी द्वारा 25,000 रुपए देने के बाद ही मैनेजर द्वारा पहली किश्त को चेक सौंपा गया। उसके बाद दूसरी किश्त का 1,48,000 रुपए का चेक देने की एवज में बैंक मैनेजर द्वारा एक बार फिर से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। परिवादी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और जाल बिछाकर आरोपी बैंक मैनेजर मनोज कुमार मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी ने आरोपी के पास से रिश्वत के 20,000 रुपए बरामद कर आरोपी बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी द्वारा आरोपी बैंक मैनेजर से पूछताछ की जा रही है। कल हमारे पास परवादी सवाई माधोपुर चौकी पर आया था मुरारीलाल मीणा। उसने कहा था कि मेरे 3,00,000 रुपये का लोन हुआ है। पहली किस्त लेने के लिए मैनेजर साहब ने ई मित्र वाले के मार्फत 25,000 रुपये खाते में डलवाने के लिए ई मित्र वाले को दिलाए थे, तब हमें 1,52,000 रुपये का चेक दिया था। अब दोबारा हमारे 1,48,000 रुपये बाकी बच गए थे, उसको लेने के लिए भी 20,000 रुपये मांग रहे हैं। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता और मैं उसको ट्रैप कराना चाहता हूँ। आज हमने उस बात का कल सत्यापन किया था, सत्यापन उसकी बात सही पाई गई। आज हम ट्रैप पार्टी पूरी पार्टी के साथ यहाँ पर आए थे। मैनेजर साहब ने अपने भाई के नाम की पर्ची भर करके और पैसों को गिन के परवादी को दे दिए कि इन पैसों को इन खातों में जमा कराते हैं। जैसे परवादी सारा करने के लिए बाहर गया तो उन्होंने पैसे छोड़ के पर्ची थी जो भरी हुई थी उसको उन्होंने एक डस्टबिन में डाल दिया मोड़ के। तो गार्ड पर्ची भर आता है, हम लोग आ गए थे, हमने बहुत सारा हाथों हाथों मैंने साहब को भाई पकड़ लिया। सर राशि कितनी है? कुल 20,000 रुपये। इससे पहले कितनी राशि दी जा चुकी है? कुल कितनी राशि इन्होंने मांगी थी इसमें? 25,000 रुपये पहले वो परवादी ने बताया कि मेरे को अपने भाई के खाते में जमा कराने के लिए ई मित्र वाला है सुनील सैनी। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देर रात नाकेबंदी के दौरान एक कार से करीब 66 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने कार सवार हरियाणा निवासी 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सत्यनारायण मालव पुलिस जाप्ते के साथ इलाके के पचपहाड़ बाईपास तिराहे पर नाकेबंदी कर रहे थे। इसी दौरान सामने से आती एक कार में सवार 3 लोगों को संदिग्ध अवस्था में देखकर पुलिस ने शक के आधार पर कार को रुकवाकर तलाशी ली, तो पुलिस को तलाशी के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार में से 66 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने हरियाणा के आदमपुर जिला हिसार निवासी 3 युवकों विष्णु विश्नोई, रोहताश विश्नोई व सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल भवानी मंडी थाना पुलिस इन सभी तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है कि ये अवैध मादक पदार्थ कहां से ला रहे थे और कहां ले जा रहे थे। हैदराबाद के पास डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का रेप करने के बाद की गई निर्मम हत्या के विरोध में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय कला महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। एबीवीपी के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, इसलिए सरकार से उनकी मांग है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे अपराधियों को रोका जा सके। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटा महानगर द्वारा राजकीय कला महाविद्यालय में जो 2 दिन पहले हैदराबाद में डॉक्टर बहन प्रियंका रेड्डी के साथ जो बलात्कार हुआ सामूहिक, उसको जला दिया गया, उसमें हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मैं ये मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूँ सरकार से कि ऐसे जो निंदनीय अपराध है जिन पर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनको फांसी की सजा दी जाए। पिछले दिनों नगर विकास न्यास द्वारा आंवली रोचड़ी में अतिक्रमण तोड़ने की गई कार्यवाही के विरोध में शनिवार को स्थानीय निवासियों द्वारा पुनर्वास की मांग को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह पिछले कई सालों से आंवली रोचड़ी में मकान बना के निवास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अचानक उनके मकान तोड़ दिए। पहले ना कोई नोटिस दिया और ना ही कोई चेतावनी, जब मकान तोड़ने आए तो कहा कि खाली मकान ही तोड़े जाएंगे। अब ऐसी सर्दी में बच्चों को लेकर कहां जाएं? अगर उनके मकान अतिक्रमण में बने हैं तो जिस समय मकान बने थे तब क्यों नहीं रोका गया?
और जब रात दिन एक करके मकान बना लिए गए हैं तो प्रशासन द्वारा उन्हें तोड़ दिया। इसलिए प्रशासन से वो मांग करते हैं उनको पुनर्वास किया जाए ताकि ऐसी सर्दी में अपने बच्चों को वो बचा सके। मैं 10 सालों से हम रह रहे थे, 15 सालों से, तो जब हमने बनाया जब तो कोई प्रशासन नहीं आया, कोई नहीं आया। जब हम रह रहे हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम दड़ा पोछा करके हमने मकान बनाए, जमीनें बेच बेच आ गए यहाँ पे, बसे भाई यहाँ कमाई करेंगे, पेट भरेंगे, वो खाएंगे, तो हमारे मकान धराशाई कर दिया सारे के सारे। अब हम कहाँ जाएँ, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है तो हम दोबारा कहीं लेकर बना सकें, हमारी व्यवस्था करी जाए। और उसके बाद प्रशासन ने बोला था कि आकर आपकी व्यवस्था करें, कुछ नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बोला था कि है ना खाली मकान तोड़े जाएंगे, लेकिन हम रह रहे थे तो धक्के धक्के बाहर निकाल गए। और फिर है ना बाहर निकालते फिर उन्होंने हमारे सामान भी फेंक दिए, तेल तेल वेल और वो आटा वाटा दाले वाले सब फेंक दिए। हमारे बनाने का कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा था कि मुआवजा मिलेगा, तो अभी तक कोई संभाल नहीं लिया हमारे वहाँ जाके। कोटा में उत्तर और दक्षिण नगर निगम प्रशासक वासुदेव मालावत के सख्त निर्देशों की पालना करते हुए उपायुक्त कीर्ति राठौर के नेतृत्व में निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर लगाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उपायुक्त कीर्ति राठौर अतिक्रमण निरोधक दस्ते का लवाजमा राजस्व अधिकारियों के साथ शहर की सड़क पर लेकर निकली। निगम के बिना परमिशन के शहर की छतों पर लगे होल्डिंग्स, बैनर और पोस्टर को चिन्हित किया। इसके बाद भारी भरकम होल्डिंग्स को गैस कटर से काटकर उतारने का काम शुरू किया। इससे विज्ञापन एजेंसियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने ये होल्डिंग्स नगर निगम के बिना परमिशन के छतों पर इधर उधर लगा रखे हैं। जो छतों पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं वो अवैध हैं। इसके लिए निगम ने किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है और जितने भी स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं इनकी कोई स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का भी नहीं है, तो ये जनसाधारण के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं क्योंकि इनका टेस्ट भी नहीं हुआ है, पुराने लगे हुए हैं। तो इनको हटाने के लिए हमने दो बार अखबार के माध्यम से चेतावनी दे दी थी और इनको कहलवा भी दिया था एडवर्टाइजर्स को सभी को कि अपने स्तर से इनको हटवा दें, अन्यथा निगम अपने स्तर से हटाएगा। तो अभी तक नहीं हटे थे, तो कुछ पे तो हमने निगम ने स्टार्ट कर दिया हटाना, कुछ पे एडवर्टाइजर्स खुद हटाना शुरू कर दिया है। तो हमारी कोशिश यही है जो छतों पे जितने भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो कि अवैध हैं वो हट जाएं और अगले 7 दिन में पूरा क्षेत्र जो है अपना कोटा शहर में जितने भी हैं वो सारे हटा दें। रानपुर क्षेत्र में चौराका भूमि पर पिछले कुछ समय से भूमाफियाओं द्वारा लगातार किए जा रहे अतिक्रमण व मिट्टी के अवैध खनन के विरोध में स्थानीय लोगों ने शनिवार को जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि रानपुर क्षेत्र में कुछ भूमाफियाओं द्वारा जगह जगह पर गड्ढे करके चौराका भूमि से मिट्टी और पत्थर निकाले जा रहे हैं, जिससे सड़क के दोनों ओर गहरे गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में कई बार दुर्घटना होने का भी डर रहता है और लोग शिकायत करने पर स्थानीय लोगों को धमकाते हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर चौराका भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण व मिट्टी के निकालने की कार्यवाही करने की मांग करते हैं। पानी की समस्या और अतिक्रमण को लेकर यहाँ आया हूँ। 5 साल में वार्ड पार्षद ने कोई कार्य नहीं किया। रानपुर वासियों ने पूर्व में पानी की टंकर पर चढ़कर प्रदर्शन किया था, जो उस पर भी जो जिसने आवाज़ उठाई वो माफियों पर कार्रवाई नहीं की गई। आज हम इस विषय को लेकर हैं, धारीवाल जी ने भी आदेश दे दिए, कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिए, लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे। सवाई माधोपुर जिले के चौथ कबरवाड़ा स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब अवस्थाओं का आलम है। हालात ये हैं कि ना तो बेड पर बेडशीट्स हैं और ना ही बेडों पर बिछे गद्दों की हालत ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गंदगी का बेशुमार आलम है। हर तरफ गंदगी और कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। केंद्र में भर्ती मरीजों को ओढ़ने बिछाने के लिए भी अपने घर से जरूरी चीजें व बिस्तर लाने पड़ रहे हैं। वहीं चिकित्सा प्रभारी का कहना है कि उनके पास बेडशीट्स की कोई कमी नहीं है, तो फिर पलंगों पर बेडशीट्स क्यों नहीं बिछाई जाती है। चिकित्सा प्रभारी फटे गद्दों को जल्द बदलने की बात कह रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं को देखकर लगता है कि चिकित्सा प्रशासन द्वारा अव्यवस्थाओं पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, तभी तो केंद्र पर अव्यवस्थाओं का आलम है। डिलीवरी डिलीवरी के बाद में कैसा है सर, चद्दर तो डेली उस पर बिछाई जाती है सुबह, पर वो जैसे उनको ब्लीडिंग व्लीडिंग का हल्का सा छीटा लग जाता है तो वो लोग हटा के उसको कूलर के ऊपर डाल देते हैं, इधर उधर कोने में डाल देते हैं, और डेली सुबह चद्दर उस पर बिछाई जाती है। चद्दरों की खूब पर्याप्त मात्रा अवेलेबल है, दुलाई के देने के लिए धोबी किया हुआ है, वो धोके रह जाता है और वो डेली बिछाई जाती है। कुन्हाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 छात्र चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों छात्र बदमाशों बबलू और राजू ने कुन्हाड़ी, बोरखेड़ा और गुमानपुरा से बाइक चोरी करने की वारदातें कबूल की है। दोनों से पूछताछ जारी है। दोनों शराब पीकर
वाहन चला रहे थे, इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा और गाड़ी के कागजात मांगे तो यह उचित जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कुन्हाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया। पूछताछ में दोनों से और भी वारदातें खुलने की उम्मीद है। शनिवार को एसआर पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बीजी सुनेजा डीन इंजीनियर आर्किटेक्चर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय थे। इस अवसर पर स्कूल चेयरमैन आनंद राठी व निदेशक अंकित राठी भी उपस्थित थे। विद्यालय चेयरमैन आनंद राठी व निदेशक अंकित राठी, प्रधानाचार्य सीमा शर्मा ने प्रथम व द्वितीय आने वाले जूनियर व सीनियर वर्ग की मॉडल टीम को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र दिए एवं मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रदर्शनी की सफलता का श्रेय सभी बच्चों व समस्त परिवार को जाता है। अंत में मुख्य अतिथि ने सभी अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। वी आर फ्रॉम क्लास फर्स्ट ए। वी आर रिप्रेजेंटिंग टाइप्स ऑफ हाउसेस। दिस इज कच्चा हाउस। इट इज मेड ऑफ मड, लीव्स, वुड एंड स्ट्रो। वी कैन सी पक्का हाउस इन आवर विलेज एरिया। एंड दिस इज पक्का हाउस। इट इज मेड ऑफ सीमेंट, स्टील, सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, ग्लास, आयरन, सैंड, एक्सेट्रा। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ श्रद्धा शर्मा फ्रॉम क्लास 10। आई हैव डिजाइंड अ प्रोजेक्ट टू रिड्यूस द क्रिमिनल्स एंट्री इन द सिटी एंड ऑल्सो टू हैव कंट्रोल ओवर एयर पोल्यूशन। वी हैव फर्स्टली वी हैव डिजाइंड अ टोल स्टेशन इन विच RFID कार्ड डिटेक्शन इज देयर वेयर द एंट्री ऑफ एवरी व्हीकल इज चेक यूजिंग RFID कार्ड। So we have in our project dual axis solar tilt. As you know, solar energy is very, very important part of our life. Solar energy is a very important source of energy. But sir, the solar panels are fixed at a particular place, so we are not able to use it at its full extent. For this, we have made a dual axis solar tilt. In this, we have used LDRs, light detecting resistors. They react towards the light. So what happens when the sun rays reacts towards them, the panels move. मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट होम। स्मार्ट होम के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं, जैसे कि अपना LDR हो गया, उसके बाद टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, उसके बाद अपने बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। होम ऑटोमेशन भी है, जैसे बहुत से पब्लिक रहते हैं बेड पे से नहीं उठ पाती है, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उन्हें पंखा चलाना है तो उन्हें किसी को बुलाना पड़ता है। तो हमने इसमें ब्लूटूथ सेंसर जोड़ा है, जिससे आप फ़ोन से भी बोलोगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अंदर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर का ये काम है कि जो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाता है तो पंखे वगैरह ऑन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जैसे टेम्परेचर लो हो जाता है तो बंद हो जाएंगे। सर्द मौसम ने दस्तक दे दी है, ऐसे में जरूरतमंदों के ठिठुरते तनों को राहत देने के लिए कोटा के छावनी गुमानपुरा रोड पर नेकी की दीवार शुरू की है, जहां एकत्र पुराने कपड़ों को जरूरतमंदों को निःशुल्क दिया जा रहा है। इलाके के लोगों और व्यापारियों ने मिलकर इस नेकी की दीवार की शुरुआत की है। इस नेकी की दीवार का उद्घाटन भी जरूरतमंदों से ही फीता कटवा कर करवाया गया। पहले जरूरतमंदों को कपड़े पहनाए गए और फिर उन्हीं के हाथों से उद्घाटन करवाया गया। यहां लगाए गए निशुल्क सेवा के बोर्ड पर लिखवाया गया है कि जिसके पास है वो यहां दे जाए और जिसके पास नहीं है वो यहां से ले जाए। नेकी की दीवार लगाई है, गरीब आदमी जिसको कपड़े नहीं है वो पहन के जावे, जिसके पास पड़े वो दे जावे। धर्म का काम है, सेवा का काम है। जय हिंद। भाई नेकी की दीवार लगी है, गरीबों के लिए सहायता है, अच्छा काम है, उनको ठंड की सुविधा भी है। भाई जिसको जरूरत है वही आके ले जाए, जिसके पास पुराना है वो यहाँ आके जमा करा जाए। सांभर लेक और अजमेर के आनंद सागर में पक्षियों की मौत के मामले के बाद कोटा में भी माइग्रेटरी बर्ड को लेकर वन विभाग, पक्षी प्रेमी और नेचर प्रमोटर अलर्ट हो गए हैं। अलनिया, उमेदगंज, अभेड़ा, सोरसन, अबरदा डैम सहित दो दर्जन छोटे छोटे तालाबों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में माइग्रेटरी बर्ड प्रवास कर पहुंच रहे हैं। नेचर प्रमोटर व पक्षी प्रेमी इन स्थानों पर जाकर किनारों और तालाबों में निरीक्षण करके पक्षियों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और साथ में फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। नेचर प्रमोटर के अनुसार सांभर में बेजुबान परिंदों की मौत के बाद कोटा में अलर्ट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहां 150 से अधिक प्रजातियों के 20 से 25,000 की संख्या में प्रवासी पक्षी प्रजनन के लिए जाते हैं और संक्रमित पक्षी के यहां बसेरा बनाने से स्थानीय परिंदों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। निरीक्षण के बाद फिलहाल कोटा में इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं, फिर भी प्रवासी परिंदों के शरण स्थली बने तालाबों की मॉनिटरिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मैं और मेरे साथी लोग कुछ तालाबों का सर्वे कर रहे हैं, जैसा कि सामर में त्रासदी हुई है पक्षियों के साथ में, उसको देखकर हमने भी हमारे क्षेत्र के जो आसपास के तालाब हैं उन पर जाना प्रारंभ किया। हमारे पक्षी प्रेमी, मैं खुद वहाँ जा जाके इन चीज़ों का पता लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कोई बीमार पक्षी मिले या मृत पक्षी मिले तो उसकी सूचना विभाग को दें। लेकिन
उम्मेदगंज, अलानिया, अभेड़ा, पोलाई कला, डायरा, उत्पुरिया, राजपुरा, सोरसन, उम्मेदगंज और इस तरह के जो है ये जगह तालाब है वहाँ पे तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा सर्वे कर लिया। तो फिलहाल तो मेरे को ऐसी संभावना नहीं दिख रही जहाँ पे उस तरह की बीमारी होने की संभावना है। पाटनपोल क्षेत्र में कई दिनों से नालों की सफाई नहीं हुई है जिससे नाले जाम हो गए हैं। नाले जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। व्यापारियों को बदबू के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिससे दुकानदारों का दुकानों पर बैठना तक दूभर हो गया है। इस कदर गंदगी है कि मच्छरों का आतंक है। शहर में वैसे भी डेंगू का कहर है, इसके बाद भी नगर निगम और स्वास्थ्य महकमा ध्यान नहीं दे रहा है। पूरे व्यापारियों की समस्या हो रही है, सभी नालियां फुल हो चुकी है, मच्छर पनप रहे इस एरिया में, इतने डेंगू के मरीज हैं, फिर भी ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है क्योंकि निगम तो खत्म हो चुका है, महापौर हट चुका है, पार्षद है नहीं, सारी जिम्मेदारी इन अधिकारियों को दे दी गई है लेकिन अधिकारी इस निर्णय को ढंग से निभा नहीं पा रहे, समस्या को सभी आगे झांक नहीं पा रहे। पिछले 3-4 दिन से ना तो नालियाँ साफ हुई है, ना पूरे क्षेत्र में सफाई हुई है, पूरे वार्ड में परेशानी है और फोक मशीन भी न तो शाम का आना चाहिए थी, जो सुबह सुबह 5 बजे आ रही है, सुबह 5 बजे कौन से मच्छर होते हैं जिनको मारने आ रही है। कन्या महाविद्यालय प्रशासन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह की घोषणा नहीं करने के विरोध में शनिवार को छात्राओं द्वारा प्राचार्य कक्ष के बाहर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष प्रेरणा जायसवाल का कहना है कि 30 नवंबर होने के बाद भी शपथ ग्रहण समारोह का दिन तय नहीं किया गया, साथ ही कॉलेज प्रशासन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि कौन मुख्य अतिथि होगा, कौन अध्यक्षता करेगा। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया है। जी कॉलेज प्रशासन और राज्य सरकार बहरी हो चुकी है, उनके कान खुले इस कारणवश हमने थाली और चम्मच बजा के बाद प्रदर्शन किया है। ये लोग हमारे अतिथियों को नहीं आने दे रहे हैं। मुख्य अतिथि इनका है जबकि विशिष्ट अतिथि वक्ता भी होता है, यहाँ पे अध्यक्षता करने वाले भी है, तो 4 अतिथि इनके अतिथि के अलावा हमारे भी आएंगे। अभी टीचर्स मीटिंग बैठ रही है, टीचर्स और हमारी, इसमें देखा जाएगा कि निर्णय क्या होता है। अगर सही निर्णय हुआ और हमारे पक्ष में हुआ तो हम सहमति दिखाएंगे, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन होगा, धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और अनशन भी होगा। सरकार का इनके ऊपर दबाव है, ट्रांसफर के डर के कारण ये लोग नहीं करने दे रहे हैं हमें शपथ ग्रहण। इस कारणवश इनको भी प्रॉब्लम में नहीं आए, हम भी प्रॉब्लम में नहीं आए, हमें तो क्या प्रॉब्लम है, कोई भी आए मान, ये लोगों के प्रॉब्लम नहीं है। इस कारणवश हम नॉन पॉलिटिकल इंसान को बुलाना चाहेंगे और वो जो 4 अतिथि होंगे हमारे वो भी नॉन पॉलिटिकल। झालावाड़ के खेल संकुल में जिला स्तरीय चयन स्पर्धा के दूसरे दिन कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल की चयन स्पर्धा आयोजित की गई जिसमें 225 व वॉलीबॉल फुटबॉल में 50-50 कुल लगभग 325 बालक व बालिकाओं ने इस चयन स्पर्धाओं में भाग लिया। ये सभी खिलाड़ी अपनी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं ताकि जिले स्तर पर इनका चयन हो सके। यहाँ कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल के खिलाड़ियों का चयन होना है। बूंदी उत्सव की सांस्कृतिक संध्या को लेकर बूंदी आए भारत के प्रसिद्ध संगीतकार मोहित चौहान ने बूंदी के पर्यटक स्थलों को देखा। उन्होंने बूंदी के पर्यटक स्थलों को सराहा और सुख महल में आकर काफी सुख प्राप्त किया। वहीं बूंदी की रानी जी की बावड़ी से लेकर यहां के चित्र शैलियों को भी मोहित चौहान ने सराहा। इसी बीच ऐतिहासिक स्थल रानी जी की बावड़ी पर स्थानीय लोगों ने चौहान का माला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए मोहित चौहान ने कहा कि हम भी राजस्थान से ही हैं, हमारे पूर्वज राजस्थान में निवास करते थे, इसीलिए मुझे राजस्थान काफ़ी पसंद है। बूंदी के जयसागर झील को देखकर कहा कि बूंदी को सौंदर्य करने वाली ये झील काफ़ी अच्छी व सुंदर है, नेचुरल में यह बड़ी प्यारी व सुंदर दिखाई दे रही है। चौहान ने यहाँ की बावड़ियों, सुख महल, चित्र शैली के बारे में भी विस्तार से जाना। इसी के साथ चौहान मोबाइल में बूंदी की सुंदरता को भी कैद करने से नहीं रोक पाए। आपने भी खूबसूरती को बहुत खुश हो और मैं और प्रार्थना हम इकट्ठे आए हैं इधर, आज मेरा कॉन्सर्ट भी है और गवर्नर साहब ने हमको इनवाइट किया, तो बहुत गर्व की बात है। और राजस्थान जो है एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है हिंदुस्तान का और मुझे राजस्थान बहुत पसंद है। हालांकि मैं हिमाचल का हूँ पर हमारे जो पूर्वज थे वो राजस्थान से थे, मैं चौहान हूँ और तो बहुत अच्छा लगता है। सवाईमाधोपुर जिले की गंगापुर सिटी में प्रशासन द्वारा जयपुर रोड स्थित मंदिर माफी की बेशकीमती भूमि से हटाए गए अतिक्रमण को लेकर अब सियासत गर्माने लगी है। मामले को लेकर गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर शनिवार को मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ का जायजा लिया।
पूर्व विधायक मान गुर्जर का आरोप है कि गंगापुर सिटी एसडीएम विजेंद्र मीणा द्वारा स्थानीय विधायक के इशारों पर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते हुए पक्के मकानों को तोड़ दिया गया है। उनका कहना है कि जब पक्के मकानों में लोग 10 से 20 और 25 सालों से रहते आ रहे हैं तो प्रशासन द्वारा उन्हें नल और बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, उसके बाद भी एसडीएम विधायक के दबाव में आकर बिना कोई नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने के नाम पर जबरन तोड़फोड़ कर गए हैं। पूर्व विधायक ने एसडीएम द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा करते हुए एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की जिला कलेक्टर से मांग की है। पूर्व विधायक ने मामले की जांच कर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, साथ ही मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। मंदिर वासी की हो उस पे पूरे राजस्थान में गंगापुर में कहां कहां अतिक्रमण हो रहे हैं, क्या क्या मकानात बन रहे हैं, वो पूरे गंगापुर को प्रशासन को पता है। इशू ये है कि कल जो कार्रवाई की गई वो एक तरीके से द्वेषता के साथ की गई है, राजनीतिक भेदभाव के साथ की गई है। जो मकान 10 से 25 साल पुराने हैं उन मकानात को बिना नोटिस के तोड़ना कहीं कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये थे अब तक की हाल चले। जाने से पहले एक बार फिर से रूबरू होंगे हारुति के ताजा हाल से। पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ने बाइक के बारी टक्कर, बाइक सवार ने उपचार के दौरान तोड़ा दम, सुल्तानपुर के पास की घटना। अलनिया के पास एक स्वाट एम्बुलेंस का फटा टायर, दूसरे एम्बुलेंस की मदद से पहुंचा अस्पताल, महिला मरीज को लेने गई थी अलनिया। पंजाब के राज्यपाल कोटा आए, बूंदी में निजी समारोह में के शिरकत, अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। घूसखोर बैंक मैनेजर एसीबी की गिरफ्त में, लोन का चेक देने के बदले में मांगी थी रिश्वत, रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कार से कर रहे थे डोडा चूरा की तस्करी, भवानी मंडी पुलिस ने हरियाणा के 3 तस्करों को दबोचा। तब दीजिए को इजाजत, एसटीएनटी टीम की ओर से नमस्कार।